आज दोपहर न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे अभी तक की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइन। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय SD पब्लिक स्कूल हमीरपुर। भाजपा ग्राम परिक्रमा यात्रा से किसानों को ज्ञान। महिलाओं से अत्याचार के विरोध में ABBP हमीरपुर का कॉलेज में प्रदर्शन। पांवटा साहिब में बताए भविष्य के प्रोजेक्ट। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल के हर गांव में भाजपा ग्राम यात्रा जाएगी। हर किसान तक पहुंचने का लक्ष्य भाजपा किसान मोर्चा के माध्यम से तय किया गया है। उत्तर प्रदेश से 12 फरवरी से शुरू हुआ अभियान 12 मार्च 2024 तक पूरे देश में चलेगा। प्रदेश किसान मोर्चा के सह संयोजक अजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 साल में किसान हित में किए गए कार्यों को बताया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसान हित की योजनाओं को ग्राम स्तर तक पहुंचकर किसानों को बताया जाएगा। हिमाचल के हर गांव में पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारम्भ उत्तर प्रदेश से माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी ने, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के उपस्थिति में मुजफ्फरनगर से प्रारंभ किया था और 12 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक ये अभियान पूरे देश में चल रहा है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में सह संयोजक के नाते हम पूरे प्रदेश में इस यात्रा को चला रहे हैं। हर गांव में ये यात्रा जाएगी और केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में किसानों के लिए कल्याण के लिए जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं उनके बारे में किसानों को जहां जागरूक किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हमीरपुर इकाई ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार को लेकर बुधवार को अणु महाविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला भी फूंका। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमीरपुर इकाई के सचिव पीयूष पटियाल ने कहा कि वर्ष 2011 से पश्चिम बंगाल में TMC का राज है। जब से TMC की सरकार सत्ता में आई है तब से प्रदेश में महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार और यौन शोषण की घटनाएं हो रही है। महिलाओं पर अत्याचार करने वाले पश्चिम बंगाल की सत्तासीन पार्टी के ही नेता है। पांवटा साहिब में रोटरी क्लब पांवटा द्वारा NGO दिवस मनाया गया। इस दौरान क्लब के सदस्यों द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन कर रोटरी क्लब द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। साथ ही आने वाले प्रोजेक्टों के बारे में बताया। इस दौरान क्लब के अध्यक्ष ने कहा कि रोटरी क्लब का मुख्य उद्देश्य पीड़ित मानवता की सेवा करना है। भूकंप, बाढ़, कुपोषण, यहां तक महामारी से प्रभावित लोगों की सहायता में रोटरी इंटरनेशनल ने अहम भूमिका निभाई है। पांवटा में इस साल करीब 40 स्वास्थ्य शिविरों में करीब 2000 से अधिक जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य लाभ दिलाने में सफलता पाई। आज दोपहर न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV। SD पब्लिक स्कूल हमीरपुर CBSE से मान्यता प्राप्त पिछले 19 वर्षों में एक जाना पहचाना नाम। लड़कों और लड़कियों के लिए कक्षा 3 से 12वीं तक उत्तम हॉस्टल सुविधा, पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी करवाई जाती है पूरी तैयारी। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन ले हरे भरे तथा प्रदूषण रहित वातावरण में स्थित SD पब्लिक स्कूल हमीरपुर। संवारे अपने बच्चे का आज और कल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418537500 पर या फिर लॉगिन करें www.sdpublicschoolhamirpur.in पर।